गोरखनाथ मंदिर में नागपंचमी के अवसर पर दो दिवसीय कुश्ती प्रतियोगिता का महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने भगवान हनुमान की प्रतिमा पर पूजा अर्चना कर शुभारंभ किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने बताया कि गोरखनाथ मंदिर में हर वर्ष नागपंचमी के अवसर पर दो दिवसीय कुश्ती प्रतियोगिता होती है, जिसका शुभारम्भ हुआ है, जिसमें 200 से ज़्यादा पहलवान भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा, अभी तक के उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ी इनाम राशि की प्रतियोगिता हो रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश केसरी को 1,00,000 रुपये व उस उपविजेता को 51,000 रुपये दिया जाएगा। इसके अलावा वीर अभिमन्यु को 51,000 व उपविजेता को 25,000 और उत्तर प्रदेश कुमार को 51,000 व उपविजेता को 25,000 व गदा के साथ सोमवार को मुख्यमंत्री के द्वारा कुश्ती के समापन के अवसर पर सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर जिला कुश्ती संघ के अध्यक्ष रणविजय शाही, राष्ट्रीय कुश्ती संघ के सचिव आदित्य प्रताप सिंह, उत्तर प्रदेश मत्स्य बोर्ड के अध्यक्ष उमाशंकर निषाद सहित अन्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में आदरणीय श्री रमाकांत निषाद जी मंच पर उपस्थित हैं, रेस्पेक्टेड आरएसओ मंच पर पूर्व विधायक श्री विजय सिंह जी उपस्थित हैं, सर का बैच अलंकरण के द्वारा स्वागत। हो रहा है इसमें 25,000 रुपए और जो कुश्ती हो रही है जो हर कुश्ती पे 500-500 रुपए का नगद इनाम है। फितले दाव का बता दो, एक फितले दाव है, इसी दाव पे योगेश्वर दत्त ने ओलंपिक के ब्रांच मेडल हासिल किया था, वो ये फितले दाव है। और देखिए लगातार हम रेलवे स्टेडियम गोरखपुर भिड़ेंगे और अपने ग्राउंड रोल किया, दोनों पहलवान इधर आएंगे, लड़ने के बाद खत्म होने के बाद इधर आएंगे। गोरखपुर वीर अभिमन्यु का ये मुकाबला आपके बीच में चल रहा है और आपको बता दें ये कुश्ती ओलंपिक नियमों के अनुसार से खेली जा रही है। जो वीर अभिमन्यु का मुकाबला हो पहले खत्म हो जाएगी या एक पहलवान दूसरे पहलवान को चित कर ले या दोनों के बीच में 10 पॉइंट का अंतर हो जाए तभी समय से पहले कुश्ती खत्म हो जाएगी, नहीं तो पूरे 4 मिनट कुश्ती चलेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, उत्तर प्रदेश के खेल निदेशक डॉक्टर आरपी सिंह ने कहा, नागपंचमी के शुभ अवसर गोरखनाथ मंदिर के परिसर में हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं कि यहाँ लगातार कुश्ती का आयोजन होता है, जो एक भारतीय गरिमा और गौरव का प्रतीक है। ऐसा एक कि ये परिपाटी जो चल रही है ये अपने भारतीयता को जीवंत रखने के लिए बहुत आवश्यक है और महाराज जी की बड़ी कृपा है कि परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी सदैव ऐसे कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करते रहते हैं। इसी अंतर्गत आज इस कुश्ती प्रतियोगिता का 3 वर्गों में जो है आयोजन हो रहा है और आज का उद्घाटन सत्र है। हाँ निश्चित तौर से कल समापन के समय जो भी हमारे विजेता खिलाड़ी होंगे सभी को जो है पुरस्कार वितरण महाराज जी के हाथों का है और कल ये कार्यक्रम होगा। देखिए यहाँ पे नाग पंचमी के अवसर पे 20 और 21 तारीख को प्रतियोगिता हो रही है और कुछ ही क्षणों में ये प्रतियोगिता शुरू होगी, जिसमें लगभग 200 से ज़्यादा पहलवानों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है और मुझे बताते हुए बहुत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि
कि अभी तक के उत्तर प्रदेश केसरी में सबसे बड़ी इनाम राशि वाली प्रतियोगिता होने जा रही है, जो कल इसका समापन जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा होगा, जिसमें कि उन्हीं के द्वारा जो उत्तर प्रदेश केसरी, उत्तर प्रदेश कुमार और वीर अभिमन्यु कुमार तीनों को गदा और 1,01,000 रुपये उत्तर प्रदेश केसरी को और रनर को 51,000 और वीर अभिमन्यु को 51,000 और उपविजेता को 25,000 और उत्तर प्रदेश कुमार को 51,000 और उपविजेता को 25,000 नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।